भारत और पाकिस्तान के इन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है ये बिहार का स्थल, जहां स्थित महल को कर दिया गया था धर्मशाला में तब्दील। इस जगह के पीछे है यह ऐतिहासिक गाथा। यहां आने के बाद मिलती है मन को शांति। देश और विदेश से बिहार की इस धरती पर पहुंचते हैं लाखों पर्यटक। एक ओमकार सत्यनाम कर्तापूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, जी हाँ, यह वही वाणी है जो सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने दी थी। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहारी विहार में आज हम बात करेंगे पटना साहिब की। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। भारत में सिख धर्म के कई महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जिनमें से एक बिहार की राजधानी पटना में स्थित तख्त श्री पटना साहिब है। यह गुरुद्वारा सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है, इसलिए तख्त श्री पटना साहिब या श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब संपूर्ण सिख समुदायों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग पटना साहिब के दर्शन करने आते हैं। यह स्थान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान तथा गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। आनंदपुर जाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष यहीं व्यतीत हुए। तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित हुआ था और कालांतर में कई बदलावों से गुजरा, लेकिन इस गुरुद्वारे की महत्ता आज भी उतनी ही है जितनी निर्माण के समय में थी। साल 1839 में पटना साहिब गुरुद्वारा एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा और एक शताब्दी तक उसी के रूप में जाना गया। पटना साहिब की भव्यता और दिव्यता को जो पहचान मिली वो आज तक व्याप्त है। यह जगह श्री सालिस राय जौहरी का घर था। श्री सालिस राय जौहरी श्री गुरु नानक देव जी के भक्त थे। श्री गुरु नानक देव जी भी यहाँ श्री सालिस राय जौहरी के घर आए थे। जब गुरु साहिब यहाँ पहुँचे तो जो देहरी लांघ कर अंदर आए वो अब तक मौजूद है। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी के असम फेरी पर चले जाने के बाद बाल गोविंद राय जी का जन्म हुआ। जब गुरु साहिब को यह खबर मिली तब गुरु साहिब असम में थे। बाल गोविंद राय जी यहाँ 6 साल की आयु तक रहे। बहुत संगत बाल गोविंद राय जी के दर्शनों के लिए यहाँ आती थी। माता गुजरी जी का कुआं आज भी यहाँ मौजूद है, इसलिए यह वो स्थल है जहाँ प्रथम गुरु गुरु नानक देव 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी अपने पावन कर्मों से अपनी छाप छोड़ चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह बेहद ही लोकप्रिय और पूज्य गुरु है। उनका जन्म इसी स्थान पर 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इस दिवस को बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री पटना साहिब का तख्त पावन नदी गंगा के तट पर स्थित है, जो इस गुरुद्वारे की पवित्रता का मजबूत एहसास दिलाता है। यहाँ सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ हर आयु हर वर्ग और समुदाय के लोग आते हैं। श्री पटना साहिब का तख्त सिख धर्म का वो आधिकारिक पवित्र आसन है जिसका पूरा सिख समुदाय में आदर होता है। पटना साहिब तख्त में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना छोटे से समारोह में की गई थी। गुरु नानक देव की वाणी से अति प्रभावित पटना के श्री सलीस राय जौहरी ने अपने महल को धर्मशाला बनवा दिया था। भवन के इस हिस्से को मिलाकर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। यहाँ गुरु गोविंद सिंह से संबंधित अनेक प्रमाणिक वस्तुएं रखी हुई हैं। बाल गोविंद राय के बचपन का पालना, लोहे के 4 तीर तलवार पादुका तथा हुक्मनामा गुरुद्वारे में सुरक्षित रखे हैं। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करने से लोगों का उद्धार होता है। यहाँ त्योहार के अवसर पर कड़ाह प्रसाद बनाया जाता है और उसे सारे जन समूह में बांटा जाता है। यही नहीं, गुरुद्वारे में 2400 घंटे गुरु का लंगर चलता है, जहां आने जाने वालों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन का निःशुल्क प्रबंध रहता है। सिख धर्म की अपनी आस्था और अपने रिवाज हैं जिन्हें निभाकर मजबूत सिख समुदाय का निर्माण होता है। कहा जाता है कि एक ओमकार का जप करने से असीम शांति और कृपा का वरदान मिलता है।
अगर कभी आपका प्लान पटना आने का बने तो एक बार श्री तख्त पटना जी साहिब का दर्शन करने जरूर आएं।